के मकसद जो है वो पूरा हिंदुस्तान जानता है, लिहाजा उनके जो फंडिंग हो रही है, मुकदमा बहुत सालों से मुकदमे चल रहे हैं, बड़े बड़े वकील किए जा रहे हैं, मुकदमों में बड़ा पैसा खर्च होता है, तो मुकदमों का जो पैसा खर्च हो रहा है वो बैकडोर से कहाँ से खर्च हो रहा है, इसकी फंडिंग कहाँ से हो रही है, इस बात की जांच होनी चाहिए। मैंने कहा सुन्नी वक्फ बोर्ड दिखावे में एक पार्टी है, सुन्नी वक्फ बोर्ड एक कठपुतली है, उसके पीछे जो मुल्ला मौलवी है, मुल्ला मौलवी के पीछे पाकिस्तान है, वहाँ से जो पैसा उनको आता है वो सुन्नी वक्फ बोर्ड को चलाता है, तो सुन्नी वक्फ बोर्ड तो बगैर उनकी मर्ज़ी के कुछ काम कर ही नहीं सकता। सुलह समझौते की बात क्योंकि वहाँ से नहीं कही जा रही है, लिहाजा सुलह समझौते की बात जो है वो हो नहीं सकती, उनके हिसाब से नहीं हो सकती। ऐसा है, भगवान की कृपा से मुस्लिम बंधुओं को सद्बुद्धि आ गई है और वे भी राष्ट्र की एकता अखंडता के लिए राम मंदिर के निर्माण में अपना सहभागिता स्वीकार करते हैं और वे भी चाहते हैं कि मंदिर का निर्माण होना चाहिए, हम लोग मंदिर के निर्माण में साथ में हैं। ये हमारे आए हुए हैं सभी सम्मानित मुस्लिम बंधु, इनके माध्यम से राम जन्मभूमि पर मंदिर निर्माण की बल सहयोगिता और शीघ्रता से संपन्न होगी और जल्दी से जल्दी ही श्री राम जन्मभूमि पर मंदिर का निर्माण होगा।